हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम रूपा भाटिया है और आपको इस चैनल पर मिलेगी सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू स्किन केयर, लाइफस्टाइल, मोटिवेशन एंड ट्रेवल। सो मेक श्योर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपका सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड देखते हैं कि आज के वीडियो में आपके लिए क्या है। तो हमारा ये 7 डे चैलेंज चल रहा है, जिसमें आप डे बाय डे जैसे जैसे मैं बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है और आपको बेनिफिट आएगा इस चीज की। मुझे गारंटी है कि आपको इससे जरूर बेनिफिट आएगा, स्किन में आपको फर्क देखने को मिलेगा और बहुत विजिबल फर्क आएगा। आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी भी हम अपनी स्किन पे लेमन यूज करें, ये आपके लिए एक टिप है, एक्स्ट्रा एडवाइस है कि लेमन को कभी भी अपने फेस के लिए सिर्फ 4 से 5 ड्रॉप ही यूज करना है। उसमें सिट्रिक एसिड होता है और अगर हम उसकी क्वांटिटी ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारी स्किन को बजाय बेनिफिट देने के नुकसान करेगा। आपको डार्क पैच आ सकते हैं, सिट्रिक एसिड से थोड़ा सा स्किन को बर्न हो सकता है और आपको लेमन की वजह से उसका साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है ज्यादा क्वांटिटी में यूज करने में। तो उसकी क्वांटिटी हमेशा कम रखिए, कम में भी फायदा मिलता है। तो आज का फेस पैक डे 1 पे हमने राइस फ्लोर से स्टार्ट करा था अपने स्क्रब, डे 2 पे हमने करा कुकम्बर एंड मुल्तानी मिट्टी एंड सैंडलवुड का फेस पैक, डे 3 पे हमने अपनी स्किन को हाइड्रेट करा था लेमन एंड हनी के साथ। लेमन हनी का जो कॉम्बिनेशन हमने बनाया उससे स्किन को हमने सूदिंग इफेक्ट देने के लिए 15 से 20 मिनट उसको अप्लाई करना था। बहुत टाइम नहीं लगता है, डेली थोड़ा थोड़ा टाइम देना होता है और स्किन को उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। जो भी हम प्रोडक्ट यूज करने हैं अपनी स्किन पे उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। और आज डे 4 पे हम ट्राई करेंगे, अप्लाई करने वाले हैं अपनी स्किन पे अगेन मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी मैं बेस की तरह यूज करती हूँ किसी प्रोडक्ट में, तो क्योंकि आज हम यूज कर रहे हैं ऑरेंज पील पाउडर। ऑरेंज पील पाउडर विटामिन सी से एनरिच होता है। विटामिन सी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है क्योंकि आपकी स्किन से जो फ्री रेडिकल्स है रिमूव करता है, एंटी एजिंग की तरह विटामिन सी काम करता है। तो ऑरेंज पील पाउडर अगर आप अभी तक यूज नहीं करते थे तो प्लीज स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ऑरेंज पील पाउडर का भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और उसको याद रखिए कि क्वांटिटी आप खाली ऑरेंज पील लगाएंगे तो स्किन पे नुकसान हो जाता है। जैसे मैंने कहा ना कि कोई भी चीज बहुत ज्यादा यूज नहीं होनी चाहिए, तो मैं कभी भी ऑरेंज पील का पाउडर मैंने कभी खाली यूज नहीं करा, हमेशा उसको मुल्तानी मिट्टी के साथ ही मैंने कंबाइन करके यूज करा है। तो आप उसको जितना ऑरेंज पील है इसका मैं प्रॉपर आपको बताती हूँ कि कैसे बनाना है। तो आज हम ये बनाएंगे ऑरेंज पील का फेस पैक, जो कि आपके एक्ने मार्क्स और या फेस पे किसी भी तरह के ब्लेमिशेस होते हैं तो उसको रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मेरे पास ये आयुर्वेदिक स्टोर से लिया हुआ ऑरेंज पील पाउडर है। तो इसमें हम 1 टीस्पून ऑरेंज पील पाउडर हम एक क्लीन बाउल में ले लेंगे। और आपको ऑरेंज पील पाउडर इजीली किसी भी आयुर्वेदिक शॉप से तो मिल ही जाएगा, साथ में ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अब इसमें हम मिला रहे हैं 1 टीस्पून जितना फुलर सर्फ, जितना ऑरेंज पील पाउडर लिया है उतना ही मुल्तानी मिट्टी का पाउडर भी हम उसमें लेंगे। ये भी आपको इजीली मिल जाएगा, ऑनलाइन भी अवेलेबल है और नॉर्मल जो हमारे घर के आसपास आयुर्वेदिक शॉप होती है वहाँ पर भी मिल जाता है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ डाबर गुलाबरी का रोज वाटर। यहाँ पर मेरे पास डाबर गुलाबरी का है, आप किसी भी ब्रांड का रोज वाटर यूज कर सकते हैं। कामा का भी बहुत अच्छा मैंने यूज करा है, इवन VLCC का भी रोज वाटर बहुत अच्छा है। तो आप कोई भी ब्रांड का रोज वाटर यूज करें। फुलर सर्फ की बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज होती है, एक्चुअल में ये हमारी स्किन से ना एक्स ऑयल तो एब्जॉर्ब करता है, साथ ही इम्प्योरिटीज जो होती हैं स्किन की उसको भी एब्जॉर्ब करता है। तो स्किन को क्लीन करने में बहुत काम आता है, बहुत अच्छा एक क्लेंजर है। मुल्तानी मिट्टी को यूज़ करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। और अभी इसको अप्लाई करने के लिए सिंपली किसी भी फेस वॉश से आपको अपना फेस क्लीन कर लेना है और उसको थोड़ा सा पैट ड्राई करके उसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे। क्योंकि इसमें विटामिन सी है और ये एक्सफोलिएट करता है स्किन को, तो आप इसको ज़्यादातर कोशिश करना है कि सनसेट के बाद ही अप्लाई करें तो इसका बेहतर रिजल्ट आएगा। चलिए फेस पैक लगा करके आपको दिखाती हूँ। चलिए फेस पैक लगाते हैं, बालों को टाई कर लेना है अच्छे से।
अब हम ये फेस पैक को अप्लाई कर रहे हैं फिंगर के हेल्प से। आपको चाहिए तो आप फेस पैक ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं छोटा मिरर ले रही हूँ सो दैट मुझे प्रॉपर दिखाई दे, अप्लाई ठीक से हो पाए। तो अब पूरे फेस पर मैं इसको लगाऊंगी। आप लोगों को मेरे हाथ पे ये जो जले का मार्क नजर आता होगा, एक्चुअली मेरे दो फिंगर में रह गया है काफी वाइट सा जो ये मार्क है, ये एक्चुअल में 2 साल पहले मैंने दिवाली पर पटाखों से अपना हाथ जला लिया था और बहुत बुरी तरीके से जल गया था। काफी रिकवर हुआ है बट दो फिंगर पे जो मार्क्स रह गए वो गए नहीं है। मैं डर्मा वगैरह भी बहुत लगाया बट कुछ फायदा नहीं, डीप बर्न होने की वजह से वो नहीं जा रहा है। तो ये देखिए पूरा फेस पैक पे हमने अप्लाई कर लिया है फेस पर। अब हम आंखों पर कूलिंग देने के लिए ये आई पैड है मैंने जो ऑलरेडी गुलाब जल में भिगो करके रोज वाटर में फ्रिज में रख दिए थे, इसको हम रखेंगे आंखों पर। आंखों को भी साथ में कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट मिलता रहना चाहिए, खाली फेस पर ही ध्यान नहीं देना है, नेक को भी नहीं भूलना है। 10 मिनट बाद हम इसको वॉश कर देंगे। तो दोस्तों आप सभी ने देखा कि ऑरेंज पील पाउडर हमने कैसे लगाना है, कैसे उसका मिक्सचर बनाना है, अप्लाई करना है एंड वॉश करने के बाद वही आप नॉर्मल मॉइस्चराइजर यूज करें या मेरा DIY वाला जेल यूज कर सकते हैं जो कि उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। मैं चाहूंगी कि आप वो जेल ट्राई करो। सब चीजें मेडिकल स्टोर पे इजिली अवेलेबल है, आप वो जेल भी बना करके डेली यूज करो। बस क्वांटिटी थोड़ी कम यूज करना, अगर ऑयली स्किन है, अगर ड्राई स्किन है तो आप अच्छी क्वांटिटी में भी यूज कर सकते हो। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी भी शेयर करनी बाकी है।